Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to the Job MCQs channel. Friends, aaj hum seekhenge profit or loss percentage, yani nafa ya nuksan ka fisad ke sau mein kitna nafa ya nuksan ho chuka hai. Isse pehle hum inverse proportion aur direct proportion ke mutalliq video upload kar chuke hain jiske description jinke link is video ke description mein maujood hain. To aaj hum seekhenge प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज. प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज सीखने से पहले हम प्रॉफिट परसेंटेज के मुतालिक बताते हैं कि परसेंटेज क्या होता है. परसेंटेज होता है यानी 100 में कितना होगा. अगर एक चीज़ है वो 50 में 10 रुपए नफ़ा है तो 100 में इसका नफ़ा कितना होगा, तो ये परसेंटेज कहलाता है. तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. अ परचेज प्राइस ऑफ अ बाइक इज 50,000 एंड द सेल प्राइस इज 60,000. व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस परसेंट. एक मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत खरीद 50,000 है और इसकी कीमत फिरोख जो है वो 60,000 है. तो इस पे नफ़ा हुआ या नुकसान, और अगर नफ़ा हुआ या नुकसान हुआ है तो 100 में कितना फ़ीसद हुआ है. तो पहले सबसे पहले हम ये मालूम करेंगे कि इसमें नफ़ा हुआ या नुकसान. तो जब परचेज प्राइस जो है वो सेल प्राइस से ज़्यादा हो तो ये नुकसान होता है, और जब परचेज प्राइस सेल प्राइस से कम हो तो इसका मतलब है कि इस पे नफ़ा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है. तो सबसे पहले हम प्रॉफिट मालूम करते हैं. प्रॉफिट जो है इस क्वेश्चन में वो है हमारे साथ 60,000 माइनस 50,000 जो कि हमारे साथ 10,000 के बराबर आता है. तो हमने 10,000 नफ़ा किया है. 10,000 नफ़ा में कितने रुपए पे हुआ है, 50,000 रुपये. नफ़ा या नुकसान का परसेंटेज जो होता है वो हमेशा परचेज प्राइस पे मालूम होता है. तो हम यहाँ पे परसेंटेज मालूम करते हैं, प्रॉफिट परसेंट, कि हमें हमें 50,000 पे कितना प्रॉफिट हुआ है. तो हमें 50,000 पे तो हुआ है 10,000 प्रॉफिट. 100 पे कितना प्रॉफिट होगा. ए सिफर और ए सिफर आपस में कट जाएंगे, 5 और 20 5 100. मतलब हमें हर 100 पे 20 रुपए नफा हुआ है. 50,000 पे हमें 10,000 नफा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हर 100 पे हमें 20 रुपए नफा हुआ है. तो हमने जो प्रॉफिट का क्वेश्चन था वो हल किया. अब हम लॉस का क्वेश्चन हल करेंगे. इसके लिए हमने वैल्यू जो है वो चेंज किए. अब वो मोटरसाइकिल की जो कीमत ख़रीद है वो 60,000 है और कीमत फ़रोख्त है 50,000. तो ज़ाहरी बात है कि इस पे क्या हुआ है, नुकसान हुआ है. तो सबसे पहले हम लॉस मालूम करते हैं. लॉस हमारे साथ है परचेज प्राइस माइनस परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस 10,000 का लॉस हमें हुआ है. तो हम परसेंटेज मालूम करेंगे. फिर उसी तरीके से सेम तरीका है जो कि प्रॉफिट का था. हमने 60,000 रुपये पे 10,000 रुपये नुकसान हुआ. 100 पे हमें कितना नुकसान हुआ होगा. तो ये 0,0 कट जाएंगे, 16,696.66 यानी हमें 16.66 क्या हुआ, 16.66% हमें नुकसान हुआ. थैंक यू.